नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार के नया संघर्ष कर रही बसपा नई रणनीति पर काम कर रही है और पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी तैयारियों के बीच अब पार्टी के तमाम बड़े निर्णय में मायावती के भतीजे आकाश आनंद की भूमिका देखी जा रही है। दरअसल आकाश आनंद अब बसपा के लैया मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह बीच ये चर्चा भी है कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद की जिम्मेदारी और भी बढ़ाई जा सके है। यह के पीछे कई वजन को गिनाया जा रहा है। सबसे पहले ये चर्चा यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई, तब चुनाव में आकाश आनंद बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। कई मौके पर उन्हें पार्टी सुप्रीमो मायावती के साथ रैली में भी देखे गए हैं। यह दौरान आकाश आनंद कई बड़ी बैठकों में भी हिस्सा ले चुके हैं। अब ताजो मामलो और करने वालो है, बीते दिनों अखिलेश यादव ने मायावती पर बीजेपी से मिले होने को आरोप लगाया। उन्होंने कही कि वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं, वह जेल को जेलर दिल्ली में बैठो है। तब सबसे पहले आकाश आनंद ही सपा प्रमुख के या आरोप को जवाब देने के नैया सामने आए। उन्होंने ट्वीट कर चार तस्वीर शेयर करी जहाँ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने या ट्वीट में लिखो, जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है? ये बात गो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल जी आज तक गे नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरा के बाहर क्यों नहीं लिखर रहे, जिनके कार्यकर्ता के पूछने की हिम्मत नहीं कर सकें कि वो 2 बजे सो के क्यों उठे हैं। वो अखिलेश यादव न जाने क्या भ्रम में हैं। मायावती के भतीजे ने आगे लिखी कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुल के बयां कर रहे हैं। कैसी बचकानी बात करने लगे हैं अखिलेश जी आप आजकल अगर बीएसपी जो कछु करे है वाके पीछे बीजेपी है, तो फिर 2019 को गठबंधन कौन के कहने पे हुआ हो। उन्होंने आगे लिखी कि बीएसपी सिर्फ एक दल ही नहीं बल्कि एक मिशन है। हम हमेशा से देश के शोषित वंचित समाज के साथ खड़े रहे हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को समर्थन दे के बीएसपी ने सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की भावना को बल दियो है। लेकिन आपको दलितों और आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। अब बात चुनावी तैयारी की कर ले। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यागु लेके बीएसपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और लगातार काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीति के साथ ही बैठकन में आकाश आनंद की भूमिका साफ तौर पर देखी जा रही है। बीते दिनों 11 सितंबर को विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इनके साथ समीक्षा करी गई। यह की जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से तस्वीर शेयर करते हुए दी। यह के अलावा पार्टी सूत्रन को कहना है कि बसपा प्रमुख ने अपने भतीजे आकाश आनंद को गुजरात और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को लामबंद करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वो यहाँ जाकर कार्यकर्ता और पदाधिकारी की बैठक भी कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि गुजरात में यही साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। दरअसल में है क्या, देखो जब पार्टी बड़ी है तो पार्टी में खाली बसपा सुप्रीमो मायावती तो ही काम नहीं चलेगा, नौजवान भी चाहिए और आकाश आनंद बिल्कुल नौजवान बच्चा हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं और बसपा सुप्रीमो उन्हें अपने गुर सिखा रही हैं राजनीति के। अब वो कितने कामयाब होंगे और उनकी मेहनत कितनी रंग लाबेगी कि तो आने वालों बखत बता बेगो, लेकिन खाली आकाश आनंद से भी काम चलने वालों नहीं है। ऐसी पूरी एक फौज होनी चाहिए
जहाँ में नौजवान साथी सारे के सारे भरपूर मेहनत करें। क्यों? कि जितनी मेहनत नौजवान कर सकें और नौजवान इनकी बात नौजवान समझ सकें, इतने बुज़ुर्ग की बात आजकल युवा नहीं समझ पाएंगे। युवा फिर युवा की तरफ को देखने लगे। बात को मेरी कुछ समझ रहे होंगे या लिया, युवा को बीएसपी में सक्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना और भी बहुत सारे लोग हैं तो उनते बचने के नहीं आ, समाज को एकजुट करने के नहीं आ। एक पूरी फौज होनी चाहिए जवान इनकी जो लगातार ग्राउंड पे दिखाई दें और हर मुद्दे को मजबूती के साथ समाज में उठावें, और जो कि कहने को बल मिले कि बस पास सिर्फ ट्वीट पे नहीं है बल्कि ज़मीन पे है। मेरी बात को समझ रहे होगे आप। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगड़ ब्रेक पगड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।